वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में नेचर ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक पे पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टोटल 5 एमसीक्यूज हैं, एक मॉडल पेपर 2020 से, और फिर 2 क्वेश्चंस हैं अटेम्प 2020 के अटेम्प्ट से, और फिर 2021 के अटेम्प्ट से। रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर इस चैप्टर से प्रिसाइजली कोई एमसीक्यू सेट नहीं हुआ, लेकिन अदर क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से सेट हुए हैं। तो इन 5 एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। जहां पे पार्टनरशिप में ड्यूरेशन डिफाइन कर दी जाए वो तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है, और जहां डिफाइन ना की जाए, जहां पर ड्यूरेशन के बारे में कोई एग्रीमेंट ना हो, उसे पार्टनरशिप एक्ट विल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकरम, मिनहास एंड बाली आर पार्टनर्स, बाली स्लीपिंग पार्टनर। बाली रिटायर्स विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, और स्लीपिंग पार्टनर की क्योंकि एग्जिस्टेंस सीक्रेट रखी जाती है, वो फर्म से जो आउटसाइडर्स होते हैं, थर्ड पार्टीज होती हैं, उनको स्लीपिंग पार्टनर की आइडेंटिटी या उसकी पार्टनरशिप में इन्वॉल्वमेंट के बारे में नहीं पता होता, तो लॉ के मुताबिक स्लीपिंग पार्टनर को रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब वो फिर रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वाले किसी फर्म के एक्ट के लिए या डेट के लिए उनकी लायबिलिटी नहीं होती। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इज बाली लायबल फॉर सब्सिक्वेंट डेट्स इनकर्ड बाय अकरम एंड मिनहास। तो कॉन्सेप्ट जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि सब्सिक्वेंट डेट्स के लिए वो लायबल नहीं है। हाँ, रिटायरमेंट से पहले का कोई डेट होता उसके लिए उनकी लायबिलिटी बनती थी, रिटायरमेंट के बाद के डेट के लिए उनकी लायबिलिटी नहीं बनती। तो ऑप्शन जो हैं उनको देखते हैं, बाली इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ स्टेट, नो, सब्सिक्वेंट डेट के लिए तो वो लायबल है ही नहीं। बाली इज फुली लायबल एज ही डिड नॉट गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, एक्टिव पार्टनर को तो पब्लिक नोटिस देना पड़ता है रिटायरमेंट का, स्लीपिंग पार्टनर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती रिटायरमेंट के पब्लिक नोटिस देने की। बाली इज लायबल फॉर द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अकरम एंड मिनहास, नो, ही इज नॉट लायबल एट ऑल। बाली इज नॉट लायबल एज ही वाज अ स्लीपिंग पार्टनर, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर के लिए कोई पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो रिटायरमेंट के बाद वाले डेट्स के लिए लायबल नहीं है, रिटायरमेंट से पहले वाले डेट्स के लिए लायबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहेल एंड फिदा परचेज्ड अ यॉट, रेनोवेटेड इट एंड सोल्ड इट टू कासिम फॉर ₹10 मिलियन, दे शेयर द प्रोसीड इक्वली बोथ सुहेल एंड फिदा आर। इनको जो याच यानी कश्ती है उसका को ऑनर कंसीडर किया जाएगा, ये पार्टनर्स नहीं है, क्योंकि एक तो इन्होंने प्रॉफिट्स को शेयर नहीं किया, इन्होंने प्रोसीड्स को शेयर किया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई बिजनेस एज सच कैरी ऑन नहीं हो रहा, एक ट्रांजेक्शन है जिसमें वो एक एसेट को जॉइंटली ओन करते थे और उसको उन्होंने सेल कर दिया। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है कि नज़र आ रहा हो कि जी ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें एक पर्सन जो है वो बिजनेस में एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा होगा। पार्टनर्स तो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, ये यहाँ पर एजेंट वाला सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। सो यहाँ पर हमारा आंसर है को ऑनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पार्टनरशिप फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 1 ईयर, जहाँ ड्यूरेशन फिक्स हो जाए उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर इफ द पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप देन। तो लॉ में कॉन्सेप्ट ये है कि वैसे तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी 1 ईयर तक, लेकिन अगर 1 ईयर एक्सपायर हो जाता है और फिर पार्टनर्स कंटिन्यू करते हैं पार्टनरशिप को, तो ये पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। फॉर फर्स्ट 1 ईयर ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप कंसीडर होगी, बाद में जब एक्सपायरी हो गई 1 ईयर की और स्टिल पार्टनर्स जो है ना डिसाइड करते हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे, तब ये पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। जमाल इज द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ एमरल्ड स्टोन्स एंड कंपनी, वेयर ही इज इंटाइटल्ड टू अ मंथली रिमुनरेशन ऑफ ₹500,000 एज वेल एज 20% ऑफ द प्रॉफिट्स। इफ द नेट एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एक्सीड ₹50 मिलियन, यानी कंटिजेंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जमाल इन द पार्टनरशिप फर्म। क्या वो इम्प्लाई हैं या वो पार्टनर हैं। अब ये इवेल्युएट अगर हम करें तो लॉ में स्पेसिफिक ये बात है कि अगर किसी पर्सन को प्रॉफिट में से शेयर की रिसीट्स मिल रही हों, चाहे वो कंटिजेंट हों प्रॉफिट के ऊपर, तो
उनका स्टेटस लाजमी नहीं है कि वो पार्टनर वाला स्टेटस हो, बाकी फैक्टर्स को भी देखना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी को भी देखना चाहिए और एक्चुअल रिलेशनशिप जो है पार्टीज के दरमियान उसको देखना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफिकली फाइनेंशियल कंट्रोलर वाली बात है तो उसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो ही इज जस्ट एन एम्प्लाई ऑफ द फर्म, और एम्प्लाई का बारे में तो लॉ के अंदर स्पेसिफिकली एग्जाम्पल मैंशन है कि वर्ड सर्वेंट यूज हुआ है वहां पे, कि सर्वेंट और एजेंट को जब रिम्यूनरेशन के तौर पर प्रॉफिट की एक परसेंटेज या शेयर दिया जा रहा होता है तो उसकी वजह से वो उनका स्टेटस वो इम्प्लाई या एजेंट वाला रहता है, उनका स्टेटस पार्टनर वाला नहीं बनता। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये पार्टनर नहीं है बल्कि फर्म के इम्प्लाई हैं, तो पार्टनर एज वेल एज इम्प्लाई वाली बात भी गलत हो जाएगी, और क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं तो एजेंट वाली बात भी यहां पर अप्लाई नहीं होगी। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।